हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और ज़बरदस्त वैकेंसी की अपडेट लेकर, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है इस SSC की तरफ से, कॉन्स्टेबल GD की रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है फ्रेंड्स कि ऑफिशियली जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है कि आपको कितने सीट्स पे वैकेंसी आ रही है, कितने पोस्ट खाली है और कितने पे आपको वैकेंसी आने वाली है। मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB और असम राइफल्स में कितनी पोस्ट खाली है ये बता दिया गया है। एग्जैक्टली डेटा ये निकल के आ चुका है फ्रेंड्स कि कितना पोस्ट खाली है और कितने पे वैकेंसी आ रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें आपको फ्रेंड्स फॉर्म का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया है कि SSC कांस्टेबल GD की रिक्रूटमेंट आने वाली है 2023 के लिए। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रखा गया है वो आपको 84,866 रहने वाला है। ये ऑफिशियली अनाउंस डेटा है। मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि किन किन अर्ध सैनिक बल में करेंटली वर्किंग पीपल कितने हैं और वेकेंट सीट कितना रहने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स CRPF की बात करें तो यहाँ पे करेंटली वर्किंग पर्सन आपको 313,778 रहने वाला है। इसके लिए आपको वेकेंट सीट है 29,283, मतलब कि इतना पोस्ट खाली है। सेकेंड नंबर पे आपका BSF की बात करूँ तो इसमें करेंटली वर्किंग पर्सन है 257,363 और यहाँ पे जो सीट्स खाली है फ्रेंड्स वो आपका 19,982 सीट्स आपका वेकेंट यानी खाली है। थर्ड आपका ITBP के लिए बताऊं तो 89,432 अभी करेंटली वर्किंग है और वेकेंट सीट्स आपका 4,142 है। आपका फोर्थ नंबर पे CISF में 1,44,418 आपको करेंटली वर्किंग पर्सन्स है और यहाँ पे आपको वेकेंट सीट्स 19,475 है। असम राइफल्स की बात करें फ्रेंड्स तो करेंटली वर्किंग पर्सन आपके 63,747 है और यहाँ पे आपको खाली सीट है 3,706 सीट्स। SSB में फ्रेंड्स आपका 97,244 पर्सन करेंटली वर्किंग है और यहाँ पे आपको जो खाली सीट है वो आपका 8,273 सीट्स पे आपका जो वैकेंसी आ सकता है। ये जो मैंने आपको डेटा बताया है ये आपको जनवरी 2023 के जो ऑफिशियल डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट रहने वाला है वो आपका अक्टूबर टू दिसंबर 2023 के बीच में आ जाएगा आपका फॉर्म, क्योंकि फ्रेंड्स अप्रैल 2024 में होने वाला है इलेक्शन और उससे पहले आचार संहिता लागू हो जाता है। तो ऐसा मतलब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, तो मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को कंडक्ट करा लिया जाएगा, इन सारे वेकेंट सीट्स को फुलफिल करा लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो भी डेटा आपको बताया हो इस वीडियो में आप उससे सेटिस्फाई होंगे। अगर उसे समझने में आपको कोई सी भी दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस अपकमिंग वैकेंसी की डिटेल को वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर पाए। और अगर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हो, स्पीड अप करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे डेली के करंट अफेयर्स प्लस आपको GK GS के क्विज टाइम टाइम पे अटेम्प्ट कराते रहती हूँ। डेली बेस पर आपको क्विज मिल जाएगा जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है।
सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।